पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में नगर निगम के द्वारा अटल घाट का निर्माण किया जा रहा है, जिसका आज महापौर विनोद अग्रवाल के द्वारा निरीक्षण किया गया और वहां होने वाली व्यवस्थाओं की जानकारी अधीनस्थ कर्मचारियों और अधिकारियों से ली गई। इस दौरान महापौर विनोद अग्रवाल ने बताया कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां मुरादाबाद के कटघर स्थित घाट पर विसर्जित की गई थी, जिसके बाद मुरादाबाद में अटल घाट बनाने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर महापौर विनोद अग्रवाल ने बताया कि पार्षद विष्णु शर्मा के द्वारा अटल घाट बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, जिस पर नगर निगम बोर्ड की बैठक में सहमति बनी और एक सुंदर घाट का निर्माण किया जा रहा है। वहीं विनोद अग्रवाल ने बताया कि बहुत जल्द ये अटल घाट जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री, उनका आज यहाँ पर इसी जगह पर इसी घाट पर उनकी अस्थि का विसर्जन हुआ था और हमारे तत्कालीन उस समय केंद्रीय मंत्री श्री महेश शर्मा जी और अन्य सभी लोगों ने उनके अस्थि कलश को इसी स्थान से रामगंगा नदी में प्रवाहित किया था। उसके बाद उनकी स्मृति में यहाँ पर इस अटल द्वार का पहले निर्माण कराया गया और गत वर्ष नगर निगम सदन ने और यहाँ के पार्षद विद्या सरन जी के प्रस्ताव पर यहाँ पर एक बहुत सुंदर बहुत बड़ा ये अटल घाट का निर्माण कराया गया है। ये आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी कि ऐसे महापुरुष जिन्होंने भारत के अंदर अपने सर्वस्व भारत के लिए नौछावर किया और भारतवासियों को एक जीने की कला और प्रेरणा सिखाई, राजनीति के मूल्यों को सिद्धांतों को निर्धारित किया, ऐसे परम श्रद्धे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के आज स्मृति स्थल का आज निरीक्षण किया है। ये संपूर्ण हो गया है आज और जल्द ही इसका मूर्ति का लोकार्पण प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री या किसी भी अन्य बड़े महानुभाव के माध्यम से इसका लोकार्पण कराया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर मैंने आज यहाँ पर निरीक्षण किया है, लगभग कार्य संपूर्ण हो चुका है, थोड़ा बहुत कार्य शेष है जो कि एक सप्ताह में संपूर्ण हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि अगले सप्ताह या 15 दिन बाद जल्द ही ये लोकार्पित होकर जनता को समर्पित होगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।